सर रैपिड फायर राउंड आपकी इजाजत से, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब। शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक शत्रु नंबर वन कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं जैसा विनोद जी और अभय जी भी मानते हैं कि राजनीति में मैं किसी को विरोधियों को शत्रु नहीं मानता हूँ। जो भी हैं वो हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही परिवार के हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी का भाई है, वो शत्रु कोई नहीं है। शत्रु अगर कहीं नाम जुड़ा है तो मेरे साथ ही जुड़ा है शत्रुघ्न, और मैं शत्रुघ्न से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए शत्रु नहीं शत्रुघ्न को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तो कभी जनता को साक्षी मानता हुआ जनहित में। आपके नज़र में ममता दीदी के लिए क्या जगह ज़्यादा अच्छी है, बंगाल या दिल्ली? बंगाल अभी सबसे बेहतरीन है, मुझे लगता है दिल्ली में उनकी सबसे ज़्यादा कदर होगी आज बंगाल में सबसे बेहतरीन जगह हासिल करने के बाद। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, हाँ या ना? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, इसलिए ना हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन अगर जैसा अभय जी कह रहे थे अगर विपक्षी एकता नहीं हुई तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी नज़र में अगला प्रधानमंत्री इन निम्नलिखित नामों में से किसको होना चाहिए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव? वाह, कहाँ नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं, यहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपने इससे बढ़िया नाम आप ले ही नहीं सकते, चारों नाम बहुत बढ़िया हैं। अब केजरीवाल भी बहुत बढ़िया है, केजरीवाल भी बहुत बढ़िया है, अखिलेश यादव बहुत गुणी है, यंग है, डायनेमिक है, और आपने ममता जी के बारे में तो डिस्कशन हो ही चुका है। राहुल गांधी अभी सबसे बड़े अपोजिशन के अभी एट द मोमेंट सबसे बड़े लीडर हैं, हम उनके दुआ करते हैं कि और बड़े लीडर बने। कोई एक रोल जिसको छोड़ने का आपको मलाल है? एक नहीं दो जी, शोले जो हमने, मैं बहुत बिजी था, ह्यूमन एरर बोले नहीं कर सका, उन्होंने बड़ी कोशिश की, रमेश सिप्पी ने अपने किताब में भी कौन सा रोल था वो जो अमिताभ बच्चन ने किया। एक तरफ मलाल है कि अफसोस है कि नहीं कर सका, वहीं दूसरी तरफ बहुत खुशी भी है कि हमारा दोस्त, हमारा स्ट्रगल टाइम का दोस्त, हमारा इतना बढ़िया फ्रेंड, इतना बढ़िया कलाकार अमिताभ बच्चन को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला शोले से अपनी कामयाबी को लेकर सामने आने का, अपने टैलेंट को उजागर करने का। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एक और फिल्म थी, आपने एक फिल्म का कहा इसलिए मैं उसी में ज़्यादा जोर दिया मैंने, दीवार फिल्म भी हमारे पास ही थी 6 महीने तक, लेकिन उसका आपस में कुछ लगता है राइटर्स का और उनका हुआ था, वो इसलिए अमिताभ के पास फिल्म गई, लेकिन 6 महीने वो फिल्म मेरे पास थी। एक और फिल्म थी शक्ति, अच्छा, जो मैं और दिलीप कुमार साहब करते, लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास थे, शिवाजी गणेशन साहब जो लेट और ग्रेट शिवाजी गणेशन ने वो सब्जेक्ट मुझको दिखाया था, प्ले दिखाया था मुझको, और मुझको ही राइट दिलवाया था, राइट्स हमारे पास थी, लेकिन वो जल्दी फिल्म बनाना चाह रहे थे, मेरे पास उन दिनों डेट्स नहीं था, तो हमने वो फिर मुशीर रियाज साहब को अच्छा, अपने राइट्स दे दिए। हमारे सेक्रेटरी पवन कुमार साहब जो प्रोड्यूसर भी रहे, अभिमान फिल्म बनाई थी, विश्वनाथ बनाई थी, तो उनके कहने पर हमने उनको दे दी। कोइंसिडेंस देखिए, आपकी तीनों फिल्में जो आप नहीं कर पाए वो तीनों अमिताभ बच्चन ने की, तीनों अमिताभ बच्चन ने रोल किए, शोले, दीवार और शक्ति। अमिताभ मोस्ट डिजर्विंग नाउ ऑफ कोर्स। एक ऐसे डायरेक्टर का नाम बताइए शत्रुघ्न जी जिसके साथ आप काम करना चाहते हो और कर नहीं पाए। ओह, एक तो सत्यजीत रे हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, और हिंदी फिल्मों से के आसिफ साहब वो भी चाहते थे मुझसे फिल्म बनाना, मैंने उनकी फिल्म जो 36-37 बार देखी मुगले आजम, उसके सारे डायलॉग्स अभी तक मुझको याद है करीब करीब, और वो के आसिफ साहब उनके साथ एक फिल्म जो करते करते छूट गई मुझसे, गैप कप और लिफ्ट के बीच में होता है, वो फिल्म थी इत्तफाक, बीआर चोपड़ा के साथ काम नहीं कर सका मैं, राजेश, मैं तो सैटरडे संडे को मेरे कपड़ों की बात हो गई थी और 1 महीने की डेट चाहिए थी, मैं तो स्ट्रगलर था, दाढ़ी उड़ी मेरी बड़ी हुई थी और स्ट्रगलर था, और राजेश खन्ना जो है वहाँ पे उनका बात चल रही, पहले कोशिश थी राजेश खन्ना मिल जाए, राजेश खन्ना स्टार बन रहे थे, अभी बने थे बन रहे थे और ऊपर जा रहे थे,
कि अचानक उनका एक सेक्रेटरी था गुरनाम, जो अब दुनिया में नहीं है, गुरनाम ने संडे को लाके एक महीने के डेट्स कैसे कैसे प्रोड्यूसर से मैनेज करके लाके चोपड़ा जी को दे दिया। तो मैं सैटरडे नाइट तक मैं हीरो था, मंडे को मैं जीरो हो गया, कहानी ख़त्म हो गई वहाँ पर। और मैं ज़रा भी चोपड़ा साहब को दोष नहीं देता, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी करता। ये बात अलग है कि चोपड़ा जी उस नाराज़गी में मेरी थोड़ा सा एवं स्टूपिडिटी थी मेरी, बेवकूफ़ी, उस नाराज़गी में मुझको ऑफ़र किया उन्होंने फिल्म कि ये कर लो धुंध, जो डैनी ने किया था, डैनी ने किया, जो डैनी ने किया वो उन्होंने ऑफ़र किया मुझको। तो चूंकि मैं नाराज़ था तब तक मैं थोड़ा स्टार बन चुका था तो मैंने कहा मैं नहीं करता ये करके, तो वो करके, लेकिन हमको बहुत इच्छा थी उनके साथ। आखिर में एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। सवाल ये है, आखिरी सवाल, ये सवाल बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बनने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल है, लिट्टी चोखा या रसगुल्ला क्या चाहेंगे? माछर झोल लेकिन बता दो, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू, पर सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू बिल्कुल, भारत माँ की संतान हूँ बिल्कुल, और बहुत फख्र करता हूँ इस बात पे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारत माँ की संतान हूँ। और जहाँ तक लिट्टी चोखा, तो वो तो हमारे रगों में बसी हुई है लेकिन बंगाली फूड मुझे बहुत पसंद है, जैसे माछर झोल भी बोला, अगर नॉन वेज जब खाता हूँ तब, अदरवाइज वहाँ का रसगुल्ला तो नहीं, और बहुत सौंदेश सौंदेश तब है। देखिए संदेश को करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, सौंदेश जी बिल्कुल सौंदेश गौतम दा बैठे हुए। ये आखिरी रिक्वेस्ट है क्योंकि हम सब चाहते हैं, 36-37 बार आपने मुगले आजम देखी, आपको उसके डायलॉग याद है? अरे बाप रे। तो एक कोई डायलॉग जो आपको फेवरेट हो, अगर मुगले आजम से हो तो बेहतर, वरना जो आप चाहें। नहीं नहीं उसके तो खैर मैं क्योंकि इतनी बार देखी, वो इससे पहले कि अकबर का जंगी तलवार मौत का साया बनकर तुम्हारे सर के ऊपर छा जाए, इससे पहले इस खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, अनारकली को हमारे हवाले कर दो, ये तलवार ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शत्रु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, हम सब लोगों को बहुत आनंद आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस एपिसोड में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ खास बातचीत आपने सुनी, अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे कि इसी अंदाज में, इतने ही दिलचस्प तरीके से सवाल जवाब का सिलसिला आपके पास हर हफ्ते इसी अंदाज में पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एबीपी न्यूज़। बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।